हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह हमारा एमसीक्यू जीके का सेट टू है। यदि आपने एमसीक्यू जीके का सेट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का, ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए थे। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे सन 1600 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईस्वी में किन तीन राज्यों में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण कब स्थापित हुआ था। तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था सन 1773 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर, स्टार लगा इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव, किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों, वह एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेवन, देश के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, देश के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी सन 1774 ईस्वी में कोलकाता में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के दौरान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश के प्रथम उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या थी। तो साथियों, देश के प्रथम उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या थी चार, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और तीन अन्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, देश के प्रथम उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो साथियों, देश के प्रथम उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था या किसके द्वारा लाया गया था। तो साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के दौरान हुई थी। तो साथियों, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, किस एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो वह एक्ट था चार्टर एक्ट 1813, जिसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह एक्ट था चार्टर अधिनियम एक्ट 1833 के दौरान, जिसके दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। केवल बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो साथियों, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कब कर दिया गया। तो साथियों, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया सन 1858 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1858 के दौरान। जब 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस ब्रिटिश सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
भारत शासन अधिनियम 1858 के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग, जो बने भारत के प्रथम वायसराय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरह से कब समाप्त कर दिया गया? तो साथियों, द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के दौरान, और इसकी शुरुआत हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वायसराय के अतिरिक्त भारत के राज्य सचिव पद का गठन कब किया गया? तो साथियों, भारत के वायसराय के अतिरिक्त भारत के राज्य सचिव पद का गठन किया गया सन 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया? तो साथियों, वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसके दौरान गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में किन तीन भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था? तो साथियों, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में इन तीन भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। पहले सदस्य थे पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, दूसरे सदस्य थे बनारस के राजा देव नारायण सिंह, और तीसरे थे सर दिनकर राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार लगा इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के दौरान विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो साथियों, वह अधिनियम था जिसके दौरान विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम को अपनाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1861 द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था? तो साथियों, वह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1892, जिसके दौरान पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो साथियों, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? तो साथियों, वह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम के माध्यम से देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, वह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके माध्यम से देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम के दौरान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? साथियों, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में, और वह अधिनियम था जिस दौरान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, वह था भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में भारत शासन अधिनियम 1935 मील का पत्थर साबित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं तथा अनुसूचियां थी? तो साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी, जिसका कॉपी सीधे भारतीय संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी सन 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 33, संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों, संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गेवियर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के दौरान की गई थी या किस अधिनियम के दौरान हुआ था? तो साथियों, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, साइमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, साइमन आयोग की स्थापना हुई थी सन 1927 ईस्वी में। दोस्तों, साइमन आयोग का प्रमुख कार्य था भारत परिषद अधिनियम 1919 के संपूर्ण क्रियान्वयन की जांच करना। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।